नमस्कार। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर केकेडी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे इस वक्त की कुछ खास खबरों की तरफ। खबर कन्नौज से है, जहां यूपी के अखिल भारतीय प्रधान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष संतोष कुमार यादव के निर्देशन में प्रदेश के सभी जिलों के ब्लॉक मुख्यालयों पर प्रधानमंत्री मोदी को संबोधित ज्ञापन खंड विकास अधिकारी को सौंपा जाएगा। डॉक्टर चंद्रकांत यादव जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय प्रधान संगठन ने एक बैठक कर रणनीति तैयार की। आपको बता दें कि NMMS ऐप के माध्यम से मनरेगा के तहत किए गए कार्यों की उपस्थिति दर्ज कराने के विरोध में सभी ब्लॉक मुख्यालयों पर 16 जनवरी 2023 को अखिल भारतीय प्रधान संगठन एक ज्ञापन प्रधानमंत्री को संबोधित खंड विकास अधिकारी को देंगे। अखिल भारतीय प्रधान संगठन NMMS ऐप के माध्यम से जो 23 दिसंबर 2022 को एक ऐप के माध्यम से मजदूरों की उपस्थिति दर्ज कराने किया गया है, उसका अखिल भारतीय प्रधान संगठन विरोध कर रहा है और उसी के साथ 16 जनवरी को एक ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री महोदय को संबोधित खंड विकास अधिकारी को दिया जाएगा, जिसमें अधिक से अधिक संख्या में प्रधानमंत्री उपस्थित होकर इसका विरोध करेंगे। चूँकि गाँव में नेटवर्क की समस्या आती है और उसके तहत दो बार उपस्थित प्रमाणित कराना, उपस्थिति दर्ज कराना ये संभव नहीं हो पा रहा है और इसका जिसके परिणाम स्वरूप मजदूरों को लेबरी आज नहीं मिलकर महीने में नहीं मिलकर दो दो चार चार महीने हो जा रहे हैं, तमाम मजदूर लोग जीरो हुए जा रहे हैं। इसका अखिल भारतीय प्रधान संगठन पुरजोर विरोध करेगा और चूंकि राज्य सरकार की नज़र में सबसे चोर प्रधान है, उस पर भ्रष्टाचार की नज़र से देखा जा रहा है। बाकी सारे चाहे वो विधायक हों, एमपी हों, चाहे कर्मचारी हों, उनको इस दृष्टि से गिरी हुई दृष्टि से नहीं देखा जा रहा है। सारी व्यवस्थाएं प्रधान के साथ ही हो रही हैं। हमें मजदूरों का 213 रुपया जो मानदेय है, जो उनकी लेबरी है, उसको 400 रुपये किया जाए और ये कई हमारी ऐसी मांगे हैं, जैसे क्षेत्र पंचायत सदस्य प्रधानों जिला पंचायत सदस्यों को सत्र लाइसेंस जारी। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर आ रही है वाराणसी से, जहां पर आरआरजी लाइन क्षेत्र पंचायत में विकास कार्यों को लेकर ब्लॉक सभागार में बैठक का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि बैठक ब्लॉक प्रमुख की अध्यक्षता में संपन्न की गई। वहीं बैठक के मुख्य अतिथि रोहनिया विधायक डॉक्टर सुनील पटेल ने कहा कि हमारी सरकार विकास के लिए लगातार काम कर रही है। साथ ही खंड विकास अधिकारी ने क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर चर्चा करते हुए जो काम रुके पड़े हैं उनको जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया। उसके साथ ही ब्लॉक प्रमुख ने यह भी कहा कि हमारे पंचायत प्रतिनिधि क्षेत्र और लोगों के विकास के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। वहीं प्रधानों को गांव में होने वाले विकास कार्यों को बिना भेदभाव पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए। खबर है जहां पर पिहानी कोतवाली क्षेत्र के गांव बरमहौला में अपने ही सगे बड़े भाई को जान से मार देने के लिए उस पर हमला कर दिया गया। आपको बता दें कि पड़ोसी के उकसाने से नशे की हालत में भाई ने ही अपने बड़े भाई पर चाकुओं से हमला कर दिया। वहीं चिल्लाता देख आस पड़ोस के लोगों ने आकर उसकी जान बचाई। साथ ही सख्त के पास से धारदार चाकू और अवैध असलहा भी बरामद किया गया है। वहीं डायल 112 को सूचना दी गई लेकिन किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। यदि पुलिस के द्वारा कोई ठोस कदम ना उठाया गया तो कोई बड़ा हादसा हो सकता है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। खबर हरदोई से है जहां पर भरखनी ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम चांदपुर में जन अधिकार पार्टी ने एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें प्रमुख रूप से जिला पंचायत सदस्य और पूर्व प्रत्याशी 154 विधानसभा सवाइजपुर वेदराम कुशवाहा भी उपस्थित रहे। जन अधिकार पार्टी के सिंह कुशवाहा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी पार्टी जन अधिकार पार्टी पिछड़ों और दलितों के ऊपर हो रहे अत्याचार और शोषण से मुक्त दिलाने का कार्य करेगी। खबर प्रयागराज से है जहां सद्भावना सेवा ट्रस्ट द्वारा गरीब और असहायों को कंबल वितरित किए गए। इस मौके पर भारत माता की सेवा से रिटायर्ड बीएसएफ जवान पृथ्वीराज सिंह पटेल ने कहा कि समाज में एक दूसरे की मदद करें और भाईचारा बना कर रहें। आगरा से एक बड़ी खबर सामने आई जहां पर आर्य श्री संस्था के 20 वर्ष पूरे होने पर संस्था की संस्थापक तुलिका कपूर के द्वारा वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया।
खदारी स्थित जेपी ऑडिटोरियम में छोटे छोटे बच्चों के द्वारा नाटक और नृत्य प्रस्तुत किया गया। आपको बता दें कि आर्य श्री संस्था पिछले 20 वर्षों से गरीब और पिछड़े वर्ग के बच्चों को प्रोत्साहित करने का काम कर रही है। मैं तुलिका कपूर हूँ और बेसिकली पर्सनालिटी एंड ग्रूमिंग एक्सपर्ट, और आर्य श्री चला रही हूँ आज 20 साल से। तो हम काम करते हैं गरीब, जो गरीबी की रेखा के नीचे हैं, उन बच्चों से और उन परिवारों के लिए। तो आज ये जो कार्यक्रम मैंने ऑर्गेनाइज करा है, ये तो एक तो 20 साल हमें पूरे हो गए आगरा में उसकी खुशी में, और दूसरे इन बच्चों के लिए, व्यक्तित्व निखार के लिए उनके लिए बड़ी ज़रूरत होती है कि वो भी पब्लिक के सामने आएँ। ये इतने टैलेंटेड बच्चे होते हैं मगर ये कहीं अपने कामों में और बस्तियों में रोज़ी रोज़गार रोटी की चक्कर में ये आगे नहीं आ पाते हैं। तो उनको इनकरेज करने के लिए हम उनके लिए कल्चरल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। बच्चों को जानकारी दी जा रही है जो पूरे साल ये बच्चे करते हैं, जिनको प्रोत्साहन के लिए जे स्कूल नहीं, ये मैडम जो काम कर रही हैं, जगह जगह सेंटर बनाए हैं, और ये बच्चों को किसी को भी इस तरह नहीं करती हैं, ये बच्चों को घर में से निकालती हैं, मलिन बस्तियों में जाती हैं और उन बच्चों को इतनी शिक्षा देती हैं जो आज स्टेज पे हैं। वरना इन बच्चों को कौन सिखाता है, ये स्कूल भी जाने लायक नहीं थे, लेकिन मैडम इनको निकालती हैं और उसके बाद इनको पढ़ाई कराती हैं, सेंटर बनाती हैं और उसके बाद इनका एनुअल फंक्शन कराती हैं जिसके अंदर इन बच्चों को सम्मान दे रही हैं। सम्मान देकर इन बच्चों को और आगे बढ़ाती हैं और शहर के अंदर एक ऐसा नाम रोशन कर रही हैं। इनके करीब, मुझे नहीं मालूम, करीब 60 सेंटर ऐसे चल रहे हैं जिसके अंदर ये इस तरह की एजुकेशन देती हैं और बच्चों के हीरे की परख झौरी जानता है। आर्य श्री का 20वां स्थापना दिवस है तो ये स्लम बच्चों के लिए काम कर रहे हैं मैडम तुलिका मैम, और आगरा और लखनऊ में भी इनके सेंटर्स चल रहे हैं, और हमारे द्वारा ट्रैफिक सपोर्ट टीम के द्वारा इनके स्लम एरियाज़ में जाके ये बच्चों को यातायात की थोड़ी जानकारी दी गई है, और लगातार हम लोग इनके साथ में प्रोग्राम करते आए हैं और करते रहेंगे जिससे कि जो ऐसे एरिया हैं जहाँ की अभी पुलिस डिपार्टमेंट या कुछ लोग इनको जानकारी नहीं मिल पाती तो वो जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। यातायात पुलिस के साथ हमने इनके सुल्तानपुरा में भी एक प्रोग्राम के सुंदरपाड़ा में सॉरी प्रोग्राम आयोजित किया था जिसमें कि ट्रैफिक इंस्पेक्टर और यातायात पुलिस के अधिकारी भी शामिल थे, हमारे टीम मेंबर शामिल थे। तो इस टाइप से आर्य श्री का बहुत अच्छा कार्यक्रम जिस टाइप से चल रहा है जो लगातार पिछले 20 वर्षों से काम कर रही है, और हम ट्रैफिक सपोर्ट टीम की तरफ से हमेशा जब भी बुलाया जाएगा पूरा सपोर्ट किया जाएगा जिससे कि इस एरिया स्लम एरिया में बच्चों को यातायात नियमों के बारे में जानकारी दे पाए क्योंकि यातायात। झारखंड के बोकारो में 6 बाइक के साथ 5 बाइक चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामला बोकारो के हरला थाना क्षेत्र का है। बताते चले कि लगातार हो रहे बाइक चोरी की घटना को देखते हुए पुलिस ने एक टास्क फोर्स का गठन किया और गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की, जहां हरला थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली और 5 शातिर बाइक चोर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार चोरों के पास से पुलिस ने 6 चोरी की बाइक बरामद की है। कुछ दिनों से सिटी एरिया में मोटरसाइकिल की चोरी का घटना हो रही थी, उसमें हरला थाना प्रभारी और उसके टीम के द्वारा एक अच्छा काम किया गया, जिसमें कुल 6 मोटरसाइकिल बरामद हुए हैं और कुछ मोटरसाइकिल से पार्ट्स भी बरामद हुए हैं, और 5 चोर जो आपराधिक गतिविधि में शामिल थे उसमें लगातार संदिग्ध रहते हैं, और इनके द्वारा लगातार चोरी की जा रही थी मोटरसाइकिल। उस मोटरसाइकिल का कांड भी हरला थाना में दर्ज किया गया है, चोरी की शिकायत की गई उसके उपरांत, जिसमें उन्हीं सारी मोटरसाइकिल का बरामदगी हुई है, और जिसमें कि 5 अभियुक्त रॉबिन सिंह, रवि कुमार साव, विशाल कुमार चटर्जी, चंदन कुमार महतो, मूर्ति ठाकुर नाम के अपराधी गिरफ्तार हुए हैं। इसमें अपाची, यामाहा, होंडा सिटी, पैशन प्रो और हीरो होंडा सिटी, हीरो अचीवर गाड़ी जो है बरामद हुए हैं, और ये अपराधी यहाँ से लेके कुछ धनबाद में और कुछ चास एरिया में भी मोटरसाइकिल खपाते थे, और जिसमें इनकी गिरफ्तारी की गई। एक ही बताते मोटरसाइकिल इस्तेमाल किस तरह से होता है इस कारोबार, कुछ इन लोग कटिंग करके भी बेच देते थे पार्ट बाई पार्ट, जो मोटरसाइकिल का जो अच्छा दाम जिस पार्ट्स का मिलता था, और कुछ मोटरसाइकिल धनबाद एरिया में कुछ अवैध कार्य में भी जिसका यूज होता है उसमें भी इन लोग बेचने का कुछ कोयला चोरी और या इस खदान अवैध खदान जो कहीं कहीं छोटे मोटे चलते हैं उसमें भी। खबर झारखंड के बोकारो से है जहाँ पर आजसू के गोमिया विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो के आवास पर जानलेवा हमले का प्रयास किया गया। विधायक ने बताया कि नकाबपोश बदमाश उनके घर के अंदर तक पहुंच गए। विधायक लंबोदर महतो ने यह भी कहा कि कौन लोग थे, लेकिन कई कारण हो सकते हैं, ये बात अभी सामने नहीं आई है। वहीं इस मामले पर अभी पुलिस कुछ भी कहने से बच रही है। तो रात को 1 बजे हम लोग लौटे थे हॉस्पिटल से, फिर उसमें से सर अपने रूम में चले गए,
और हम प्रत्येक दिन बंद करते हैं, सब जाने के बाद हम बंद करते हैं गेट को, मेन गेट को। तो हमने बंद करने के लिए गया तो फिर वो एक आदमी अंदर आया, आने के बाद वो फिर हम वो भी बाहर निकल गया फिर दौड़ के, फिर अंदर आने का प्रयास था और गाड़ी गलोज किया था और हाथ में कुछ था हथियार टाइप का कुछ था हथियार ही, तो बोले गोली मार देंगे भी करेंगे, विधायक बोला वैसे करो वैसे करो, अभद्र भाषा की बात करते हुए फिर से वो बाहर निकल गया। और अब बाहर निकल फिर अंदर आने का कोशिश किया तो हम गेट को लात मारे नीचे से, वो गेट बंद हो गया, सिंगल पल्ला था बंद हो गया। हम दौड़ के आगे अपना रूम में, तो इन लोग को सोचना कि अपना जो इतना था बॉडी गार्ड साहब जितना था सोचना कि तो हम लोग फिर निकले तुरंत, लेकिन बाहर से वो गेट बंद करके निकल गया था। जैसे ही हम लोग निकले तो किसी को कोई नहीं मिला, खोजबीन किया काफ़ी कहीं कुछ नहीं मिला, फिर पी सी आर भी आया, पी सी आर का सूचना किया हम लोग। देखिए मैम, तो मेरा बहुत ही स्पष्ट ये है कि आज तक हमने अपने जीवन में कभी किसी का ना तो बुरा सोचा ना बुरा किया, इसलिए मैं कभी ये सोच ही नहीं पा रहा कि कोई मेरे प्रति बुरा सोचेगा, मेरे प्रति कोई बुरा करेगा। लेकिन कई ऐसे कारण हो सकते हैं, एक तो पहला कारण राजनीतिक कारण हो सकता है, लोगों को ये लग रहा है कि डॉक्टर लंबोदर महतो यहाँ के लोगों के दिलों में बस गए हैं, दिलों में राज करने वाले हैं और इनको यहाँ से उखाड़ पाना बहुत मुश्किल है। तो एक कारण ये हो सकता है कि इनको रास्ता से पूरी तरह से साफ कर दिया जाए ताकि राजनीतिक रास्ता बिल्कुल साफ होगा, एक तो कारण ये हो सकता है। विधानसभा में देखते होंगे कि कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए हमने गैर सरकारी संकल्प में लाया था और सरकार को बाध्य किया था, सरकार का आश्वासन आया था कि हम फिर से केंद्र सरकार में पत्राचार करेंगे, रिमाइंडर भेजेंगे, और इसको लेके कई मरमरिंग पूरे राज्य में हुआ था। तो हो सकता है कि एक कारण किसी समुदाय को ठेस हुआ हो, ये भी एक कारण हो सकता है। दूसरा एक कारण ये भी हो सकता है कि अभी आप देखोगे कि लगातार यहाँ पर जो बड़े बड़े कई सफ़ेद पोश लोग कोयला चोरी में लगे हुए। अगली खबर की ओर रुख करेंगे। उत्तराखंड के काशीपुर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मंजुनाथ टीसी के आदेशानुसार जिला उधम सिंह नगर में नशे के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत काशीपुर पुलिस ने भी अभियान चलाया। इस दौरान बीते दिन चेकिंग अभियान में कुंडेश्वरी चौकी पुलिस ने हिमांशु बाटला नाम का एक अभियुक्त को 620 नशे की प्रतिबंधित गोलियों के साथ पकड़ लिया। जालौन में घने कोहरे और धुंध की वजह से कई स्थानों पर सड़क हादसे हो गए। पहले घटनाक्रम में कदौरा थाना क्षेत्र के उदनपुर के पास सड़क हादसा हो गया, जिसमें छात्रों से भरी गाड़ी सड़क किनारे बेतरतीब खड़े ट्रक में जा घुसी, जिसमें कार चालक की मौके पर ही मौत हो गई और उसमें सवार छात्रों को भी चोटें आई। दूसरी घटना कानपुर झांसी राजमार्ग पर हुई, जिसमें घने कोहरे के कारण सड़क किनारे खड़े वाहन में पीछे से कई वाहन टकरा गए। वहीं एक ट्रक ने पुलिस की पीआरवी गाड़ी में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे गाड़ी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई, जिसमें करीब आधा दर्जन पुलिसकर्मी चुटेल हो गए। फिलहाल की खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए केकेडे न्यूज़।